लोकसभा चुनाव 2019 का बिगुल फूक चुका है। अभी हम मौजूद हैं मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के जिला मधेपुरा में। यहाँ हम जानेंगे कि लोग कैसा सांसद पसंद करते हैं। ये चुनावी सफर जो है इसमें तीन दिग्गज यहाँ मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से पप्पू यादव जाप से और दिनेश चंद्र यादव एनडीए से और शरद यादव महागठबंधन से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। जो लोकसभा क्षेत्र मधेपुरा है इसका 23 अप्रैल को चुनाव होने वाला है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो कैसा सांसद पसंद करते हैं। बताइए, 23 अप्रैल को चुनाव होने वाला है, आप कैसा सांसद पसंद करते हैं? जिस जो सांसद होगा ऐसा काम करेगा, रोड टूट बनाएगा, हम उसको वोट देंगे, सरकार गिरा देंगे। नीतीश का तो सरकार गिरवे करेगा, और चाहते हम लोग मधेपुरा का हर जगह रोड टूटा हुआ, रोड को सबसे पहले बनाए। नहीं, मधेपुरा सहरसा का रोड तो टूटा हुआ, उसके बाद हम लोग पप्पू यादव को लाएंगे। आप लोग क्यों पप्पू यादव को लाना चाहते हैं? और भी प्रत्याशी दमदार है, क्यों पप्पू यादव? आखिर पप्पू यादव ही क्यों? क्योंकि पप्पू यादव दिल्ली में जो है, मतलब इलाज के दरमियान में सब चीज़, किसी को किसी तरह का बीमारी होता है तो पप्पू यादव उसका इलाज कराता है, चाहे पैसा हो कि ना हो। हमारे साथ कुछ और युवा हैं, उनसे जानना चाहते हैं आप कैसा सांसद चाहते हैं? पप्पू यादव से सांसद चाहते हैं, मतलब पप्पू यादव काम शुरू ही होता है, कुछ भी एक कॉल करने पर तुरंत पहुँचता है, दूसरा नेता नहीं आता है, शरीर में सटने के लिए नहीं देता। पप्पू यादव जान में लटक जाता है, जान मेरे बॉडीगार्ड का। हमारे साथ कुछ और युवा है, उनसे आप कैसा सांसद चाहते हैं? मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में 23 अप्रैल को चुनाव होने वाला, आप कैसा बुलाए हुए पहुँचते हैं कॉल पर बिना बॉडीगार्ड का? और भी दमदार इसमें प्रत्याशी नहीं है, दमदार जितना यहाँ से फिर अपना निकल जाता है ना, जीतते हैं और निकल जाते हैं। हमारे साथ मधेपुरा पूर्णिया का रूट देखिए कैसा है, सहरसा से मधेपुरा पूर्णिया जाइए, रूट 5 घंटा लगता है, 6 घंटा लगता है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में वो कैसा सांसद चाहते हैं। बताइए, 23 अप्रैल को चुनाव होने वाला है, बहुत कम समय बचा है, आप कैसा सांसद चाह रहे हैं? काम बोलता है ना, सांसद साहब एक ऐसे हैं कि यहाँ से लेकर दिल्ली तक गरीबों के मसीहा रहते रहेंगे, और यहाँ के जहाँ तक काम की बात है, ये केंद्र सरकार की है, पर ये रोड जो है, कोई सांसद साहब तो एक माध्यम के तरह ये अपना हर काम किए हुए हैं, और रोड भी बनने के लिए तैयार हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। और आपकी बात चाहेंगे कि पप्पू यादव को भारी मदद देता है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। 23 अप्रैल को चुनाव होने वाला है आपके मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में, आप कैसा सांसद चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं पप्पू यादव सांसद बने। क्यों पप्पू यादव चाहिए? और भी प्रत्याशी है मैदान में, आप क्यों पप्पू यादव को मांग रहे हैं? विकट परिस्थिति में पहुँचता है, आपत्ति और विपत्ति के समय पर पहुँचते हैं, हम लोग इसी की इच्छा में पप्पू यादव को हम लोग चाहते हैं, कोई नेता नहीं पहुंचता है। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम सीनियर सिटीजन भी हैं, उनसे जानने की चाह रहे हैं। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र का 23 अप्रैल को चुनाव होने वाला है, आप अपने मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में कैसा सांसद चाहते हैं? शरद यादव। क्यों शरद यादव? और भी प्रत्याशी है दमदार, क्यों शरद यादव? शरद यादव विश्व का नेता है, ये सब गांव घर का नेता है, क्या शरद यादव, अगर शरद यादव जीतते हैं तो आप क्या क्यास लगा रहे हैं उनके जीत पे, आप क्या मांगना चाह रहे हैं उनसे? विकास मांगेंगे, जैसे रोड पेड़ा है, गांव घर है, कोई चीज नहीं मिलता है, अभी खाली अभी ढोल बजता है, खाली ढोलक पर काम हुआ है। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में 23 अप्रैल को चुनाव होने वाला है, आप कैसा सांसद चाह रहे हैं? हम जो है ना अपने लोकलिटी का सांसद चाहते हैं। कैसा चाह रहे हैं आप, क्या विकास चाह रहे हैं मधेपुरा? मैंने विकास चाह रहे हैं, ऊपर मोदी जी को देख रहे हैं, मोदी जी जो देश के लिए काम किया है वैसा उस तरह का रणनीति वाला सांसद चाह रहे हैं। मैंने शरद यादव आता है, एक दिन हुलकने भी नहीं जाता, हम लोग जाते हैं मिलने के लिए दिल्ली में, या कुछ कोई इमरजेंसी होता है हुलकने बोलता है, हम बहुत बड़ा नेता है, मैंने कि हुलकने भी नहीं आती। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में आप कैसा विकास चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, कैसा तस्वीर बदले इस क्षेत्र में? अभी हम लोगों का सड़क का स्थिति पूरा दयनीय है, वो सुधार जाए, शिक्षा में जो मैंने कि पूरा लचर स्थिति है शिक्षा का, वो शिक्षा सुधार जाए, और उसके बाद नाला नहीं है, उसके बाद वो मैंने कि स्टेशन भी आप देख ही रहे आपके सामने में कैसा स्थिति है स्टेशन का,
और उसके बाद जो है ना चिकित्सा जाकर के आप देखिए चिकित्सा का भी हाल बहुत बुरा है। तो आप विकास चाह रहे हैं मधेपुरा, विकास चाह रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। 23 अप्रैल को चुनाव होने वाला है आपके मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में, आप कैसा सांसद चाह रहे हैं? हम विकास के लिए जो स्थानीय मुद्दों पर आधारित हो, ऐसा नहीं कि हवाई में आए, लेकिन वोट किसको देना है ये तो गोपनीयता की बात है, लेकिन स्थानीय जो मुद्दा है उसको हम प्रेफरेंस देते हैं। आप कैसा तस्वीर चाह रहे हैं कि क्या तस्वीर बदले मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र का? रोड सड़क है, बिजली है, शिक्षा है, इस सब में सुधार होना चाहिए। हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन भी है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। 23 अप्रैल को चुनाव होने वाला है आपके मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में, आप कैसा सांसद चाह रहे हैं? हम तो वैसा ही सांसद चाहते हैं जो मधेपुरा जिला का कुछ विकास हो, मधेपुरा जिला का कुछ कल्याण हो, इस तरह का सांसद चुनना चाहते हैं। और सवाल रह गया वोट का, तो वो तो मतदान, वो तो मत का बात है, उस समय अपने ब्रेन में जो ऐसा आएगा जो हाँ फलना हम जो है यहाँ का। अब किस तरह का विकास चाहते हैं मधेपुरा लोकसभा? मधेपुरा का तो पूर्ण रूप से विकास चाहते हैं, मधेपुरा को कुछ है ही नहीं है। अभी फिलहाल स्टेशन पर पानी पीने के लिए पानी तक भी नहीं है, तो भविष्य के लिए अब क्या कहा जाए। हमारे साथ और कुछ युवा हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। 23 अप्रैल को चुनाव होने वाला है आपके क्षेत्र में, आप कैसा सांसद चाह रहे हैं? हम चाहते हैं और राष्ट्रीय लीडर शरद यादव जी यहाँ से जीते और वही कर सकते हैं विकास, क्योंकि पप्पू यादव जी और माननीय दिनेश चंद्र यादव जी इसका लोकसभा में उतना बैठने है, इसका वैल्यू नहीं, राष्ट्रीय लीडर इसके थ्रू माध्यम से काम आएगा। तो यहाँ लोगों की जुबानी है, हम कुछ लोग और हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपके लोकसभा मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में 23 अप्रैल को चुनाव होने वाला है, आप कैसा सांसद चाह रहे हैं? ऐसा सांसद चाह रहे हैं कि जो मधेपुरा का विकास करे, शिक्षा में सुधार लावे, रोड सड़क का स्थिति बहुत दयनीय है। बट एक चीज़ और है कि हम लोग ये चाहते हैं जो हमारे सुख दुख में भी साथ रहे, ऐसा नेता हमें चाहिए। किस तरह का विकास चाहते हैं? शिक्षा का विकास हो, रोड का विकास हो, हम लोगों का जो कोई समस्या हो तो सुन पावे, ऐसा नेता चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ का स्थानीय लोग हैं, 23 अप्रैल को यहाँ चुनाव होने वाला है, आप कैसा सांसद चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि महागठबंधन को वोट दें, शरद यादव को जितावे, लालू यादव मजबूत करें। अच्छा, आपके ये चुनावी मैदान में और भी सांसद हैं, दमदार सांसद हैं, आप शरद यादव को ही चुन रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि वो पुराना राष्ट्रीय नेता है, अपना पार्टी को विलीन करके महागठबंधन में जुड़ा, इसलिए हम चाहते हैं शरद यादव ही जीते, विकास होगा। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से यहाँ लोगों की राय है, आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा। 23 अप्रैल को जो इस मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव है और 23 मई को जो परिणाम आएगा वो क्या आता है, मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र की जनता किसे अपना दुआ देती है, जीत का सेहरा किसके सर जाता है, ये आगे देखना बेहद दिलचस्प होगा। नजरिया न्यूज से मोहम्मद अजहरुद्दीन, मधेपुरा से।